मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचाना है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। इसी रणनीति के तहत की सरकार जो है कानों में तेल डाल के सोई हुई है, जबकि आम भाषा में तो बोलते हैं कि कान में तेल डालो और अच्छा सुनाई देता है, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कान में तेल डाल के सोई हुई है। मैं जंतर मंतर से सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार आप सब लोगों को हर तरह के कोऑपरेशन के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और सबसे हमारी सभी संस्थाओं से रिक्वेस्ट भी है, विनम्र निवेदन है कि 21 जनवरी को दिन रविवार छुट्टी भी रहती है। हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर अपनी अपनी सभी संस्थाओं के साथ आपस में मिल बैठ के विचार विमर्श करें, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलजुल के आपस में एक नहीं होंगे तब तक हमारी किन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अभी फाइनेंशियल मैटर के अलावा हम सब लोगों ने जो एक सरकार के सामने डिमांड रखी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कभी बताते हैं 65,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़ भूतपूर्व सैनिकों को दिए हैं, तो इन 3 जजों की कमेटी उसी चीज़ पर स्टडी करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो बताएगी कि जवानों के लिए जेसीओज और जवानों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने क्या क्या किया, कितना कितना दिया। इसी के लिए हमारा सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि आप 21 जनवरी को रविवार को ना भूलें और सब एक दूसरे को मिलके इकट्ठा करके जंतर मंतर पर आए और आपस में विचार विमर्श करके हम आगे की रणनीति बताएं कि आगे हम सबने मिलके क्या और कैसे करना है, जिससे कि हमारी सरकार के आँख कान खुले और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को, और जो असमानताएं इन्होंने की हुई हैं, डिस्क्रिशन किया हुआ है, अलाउंसेज का, पेंशन का, ओआरओपी का, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम सब लोग मिलजुल कर विचार विमर्श करें। इसी रणनीति के तहत की सरकार जो है कानों में तेल डाल के सोई हुई है, जबकि आम भाषा में तो बोलते हैं कि कान में तेल डालो और अच्छा सुनाई देता है, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कान में तेल डाल के सोई हुई है कि उनके वीर जवान जो इतने सालों सेवानिवृत्त होके पूरे देश की सुरक्षा के लिए सेवाएं देके आ रहे हैं और वो आज रोड पर बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी सरकार, यहाँ तक के मिलके रेल रोको आंदोलन भी किया गया और यहाँ इतनी बार धरने भी किए गए, इकट्ठे होके किए गए, रैली भी निकाली गई, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू नहीं रैली। सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि हमारी मांगों पर ध्यान दें, नहीं तो एक अनुशासित फौजी कहां से कहां तक क्या क्या कर सकता है वो तो सरकार भी जानती है, और कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी बस हमको सारे फौजियों को, रिटायर्ड को इकट्ठे होके कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस हो, ऐसी मेरी सरकार से भी विनती है। धन्यवाद।